आज हम ध्यान में अपने मूलाधार चक्र, अपनी सूक्ष्म नाड़ी और अपनी कुंडलिनी शक्ति से जुड़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ हम ऊर्जा का संचार करने की कोशिश करेंगे। हमारे जीवन की हर उपलब्धि, हर तकलीफ, हर समस्या, हर लक्ष्य इन तीनों से जुड़ा हुआ है। जब यहाँ पे ऊर्जा का संचार होगा तो हमारे जीवन में भी एक सकारात्मकता आएगी और हम अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त होंगे। ध्यान करने के लिए चाहिए एक शांत वातावरण, एक अकेला कोना। हम अपने घर में, अपने कमरे में दरवाजा बंद करके कर सकते हैं। कमरा कितना भी छोटा हो चलेगा। अगर आप बाहर करना चाहते हैं कहीं और प्राकृतिक वातावरण में, आप वहाँ भी कर सकते हैं। किसी पेड़ के नीचे, गार्डन में, घास के ऊपर बैठ के, मंदिर में या किसी अन्य जगह पे जहाँ आप शांति महसूस कर रहे हैं। लेकिन इतना याद रखिए, आपके पास 8 फुट की दूरी तक कोई जीवित चीज़ नहीं हो ताकि आपके साथ उसकी ऊर्जाएं मिक्सअप ना हो। आपको अपनी ऊर्जाएं और उसकी ऊर्जाओं को अलग रखना है। हम फिलहाल अपनी ही ऊर्जाओं को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ही ऊर्जाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी कहीं और की ऊर्जाएं नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक अकेला शांत कोना। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे नीचे गद्दी बिछी हो ताकि हमारी ऊर्जाएं जमीन में नहीं जाए। अभी हम एक्सचेंज नहीं कर रहे ऊर्जाओं का, अभी हम अपनी ऊर्जाओं को उठा रहे हैं। हम बेड पे भी बैठ सकते हैं अगर हम वहां कंफर्टेबल हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं अगर आपको कोई बैठने में प्रॉब्लम है तो बेड पे पैर लटका सकते हैं, लेकिन अपने पैरों के नीचे कुछ रखिए मोटी चीज ताकि जमीन से आपके पैरों का संपर्क ना हो। कहीं भी बैठ सकते हैं, नीचे आसन लगा के बैठ सकते हैं, मंदिर में भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन नीचे आपके आसन हो, मोटा आसन हो, गद्दी हो तो बेस्ट है। इतना मोटा आसन हो कि जमीन में क्या है, सर्दी गर्मी आपको कुछ भी महसूस ना हो, क्योंकि जमीन की ऊर्जाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। अगर आपकी गद्दी पतली है तो आप तक उन ऊर्जाओं का संचार होगा ही होगा। अगर आपने कोई गद्दी बनवाई है घर में अपने बैठने के लिए, कुछ पतली गद्दी है, अगर आपके पास लकड़ी का तख्त वगैरह कुछ रहता है छोटा सा बैठने के लिए, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लकड़ी की चीज़ ऊर्जाओं को ट्रांसफर नहीं करती है। तो आप अपनी ऊर्जाओं को ले सकेंगे, जमीन की ऊर्जाएं नहीं जुड़ेंगी आपके साथ। गद्दी बिछाइए, बैठिए। कहीं आप पार्क में बैठना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लकड़ी का आसन नहीं होगा, आप आराम से गद्दी बिछाइए, वहां पे बैठिए। प्राकृतिक वातावरण में वैसे ही सकारात्मकता होती है। अब आपने आसन बिछा लिया, अपना एक कोना ले लिया, आपके कपड़े एकदम मुलायम, सूती, कंफर्टेबल होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सूती ही हो, सूती कंफर्टेबल होते हैं इसीलिए मैंने कहा। कोई भी आपको बेल्ट, बटन, कुछ भी नहीं चुभना चाहिए। आप पालथी करके बैठ सकते हैं और अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए, आपकी हथेलियाँ ऊपर की तरफ हों ताकि आप ऊर्जाओं को ग्रहण कर सकें, उस सकारात्मकता को ग्रहण कर सकें और अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठा सकें। अब आप ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए तैयार हैं। अपने पास थोड़ा सा पानी का गिलास रखिए, कम से कम आधा गिलास पानी पी लीजिए। अगर आपको शौच वगैरह जाना है, टॉयलेट जाना है, तो पहले हो आइए, ठीक है। उसके बाद हाथ पैर मुंह धो के अच्छे से बैठिए, हल्का सा पानी पी लीजिए। जब आप ध्यान लगाने लगेंगे
तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और ये ऊर्जा का संचार आपके अंदर गर्मी लाएगा। अगर आपने पानी नहीं पिया होगा तो आपको प्यास लग सकती है और आपका मन भटकेगा, इसलिए पहले ही आप पानी पी लीजिए। पानी पी लिया, आपको एक आपका कोना मिल गया। 8 फुट की दूरी तक अगर आप बाहर कर रहे हैं तो कोई जीवित चीज नहीं हो, ताकि आपकी ऊर्जाओं का मिक्सअप नहीं हो उसके साथ। अब आप ध्यान लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप बैठ गए हैं, आपकी कमर बिल्कुल सीधी है, पीठ बिल्कुल सीधी है, आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। अब बैठते ही सबसे पहले आप बोलेंगे फिर गहरी सांस लेंगे और फिर गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर से बोलेंगे फिर गहरी सांस लेंगे और एक गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर से बोलेंगे फिर एक गहरी सांस ली और गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। बहुत हल्का और रिलैक्स महसूस कर रही है, आपकी आंखें बंद हैं और हाथ आपके घुटनों के ऊपर, आपकी आंखें बंद, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ध्यान अपना दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र में लगा रहे हैं। आंखें बंद होने के बाद भी आप वहीं देख रहे हैं, आपको एक रोशनी दिख रही है जो कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी बिल्कुल गायब हो जाती है। आप अपना ध्यान बिल्कुल वहीं सीधे ही लगा रहे हैं। बहुत सारी बातें आपके मन में आ रही हैं पूरे दिन की, मैं इसके पास गया, इसने मुझे ये कहा, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका सारा ध्यान सिर्फ उस रोशनी की तरफ है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जाओं को जागृत करना है, अपने अंदर ऊर्जा का संचार करना है। कोई भी चिंता आपको नहीं सता रही, कोई चिंता नहीं सता रही, कुछ नहीं सोचना है, खुद से जुड़ना है। सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ झूठा है। जो पूरा दिन बीत रहा है, जो पूरा दिन बीता है, जो ये घटनाएं याद कर कर के आप सोच रहे हैं, वो जो चीज़ें आपके मन में मोह प्रेम जो भी जागृत हो रहा है, सब झूठा है, सब झूठा है, सब मिथ्या है। सच्चाई आपकी ऊर्जाएं हैं और सच्चाई वो रोशनी है जो कि आपको आपकी आज्ञा चक्र में दिखाई दे रही है। वो ऊर्जा सच्ची है, आपकी अपनी ऊर्जाएँ सच्ची हैं, वो सात्विकता सच्ची है। उन बातों के बीच में, इन रिश्तों के बीच में जो चीज़ें आप सीखते हैं अपने जीवन से, वो सच्ची है। अब आप कुछ नहीं सोच रहे किसी के बारे में, क्योंकि मिथ्या बातों का आपको नहीं सोचना है। आप उस सच्चाई को, सकारात्मकता को देख रहे हैं। रोशनी कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, उसमें आपको अलग अलग रंग नज़र आते हैं। जामनी रंग, हल्का जामनी, गाढ़ा जामनी, पीला, नीला, अलग अलग तरीके से आपको रोशनी नजर आ रही है। और अब आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन शुरू हो गया, धक धक सी आपको लगने लग रही है। आपके आज्ञा चक्र में ऊर्जा का संचार हो गया है। आपका आज्ञा चक्र ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया है। अब जो आ रही हैं ऊर्जाएं, वो सकारात्मकता जो हमारे पास आ रही है, उसको लेने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। आपका आज्ञा चक्र उन ऊर्जाओं को ले रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, उसमें एक चुंबक है, वो उन ऊर्जाओं को खींच रहा है। अब वो ऊर्जाएं
सीधे जा रही हैं आज्ञा चक्र से पीछे, जहाँ चोटी बांधते हैं ना, जहाँ कहते हैं पंडित लोग अपनी चोटी बांधते हैं, चोटी रखते हैं, वहाँ तक जा रही हैं। उसके बाद पीछे से हमारी रीढ़ की हड्डी से होती हुई वो ऊर्जाएं नीचे जा रही हैं। वो ऊर्जाएं हमारे आज्ञा चक्र से सीधे पीछे गई सर के, और उसके बाद नीचे गई रीढ़ की हड्डी से। यह हमारी सूषमा नाड़ी है, इला नाड़ी है, पिंगला है। सूषमा से होती हुई नीचे गई, और जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ हमने ऊर्जाओं को स्टोर करना है, जमा करना है। हम देख रहे हैं सामने की तरफ और ऊर्जाओं को ले रहे हैं, लेकिन हमने अपना पूरा ध्यान कहाँ लगाना है? जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ ऊर्जाओं को जमा करना है। अपने आज्ञा चक्र से ऊर्जाओं को देख के खींचना है, देखना सामने है और ध्यान वहाँ लगाना है। बगुला भगत की तरह हम देख रहे हैं सामने, आज्ञा चक्र से ऊर्जाएं खींच रहे हैं और ध्यान हमारा हमारी रीढ़ की हड्डी में नीचे लगा है। हम सिर्फ देख रहे हैं सामने, ऊर्जाएं आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, और स्वयं ही अपना रास्ता बना के सूषमा नाड़ी से होती हुई नीचे जा रही हैं। हमने अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ लगा लिया, सारी ऊर्जाएं हम वहाँ स्टोर करते जा रहे हैं, अब वहाँ से हमारे अंदर जाती जा रही हैं। आज्ञा चक्र से ऊर्जाएं आई, जहाँ चोटी बांधा वहाँ से नीचे गई, नीचे जाते जाते जहाँ रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे फिर से स्पंदन हुआ, धक धक महसूस होने लगा। अब वहाँ पे आपको हल्का सा दर्द सा महसूस हुआ, क्योंकि हमने वहाँ पे नकारात्मकता जमा कर रखी है, कभी हमने वहाँ पे ऊर्जा का संचार ही नहीं किया। हम वहीं ध्यान लगाएंगे अपनी पीठ में पीछे की तरफ नीचे को, हम सिर्फ देख रहे हैं सामने, हमारा ध्यान पूरा वही है। और वहाँ कितना समय लगेगा उन ऊर्जाओं को इकट्ठा होके उस नकारात्मकता को निकालने में, वो हमें खुद ही देखना पड़ेगा। ऊर्जाएं आती जा रही हैं, हमारा सारा ध्यान पीछे रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है वहाँ है, हमारी सूषमा नाड़ी वहीं है, हमारे मूलाधार चक्र के पीछे जुड़ती है हमारी सूषमा नाड़ी हमारी कुंडलनी शक्ति से, हमारे मूलाधार के पीछे बैठी हुई है सर्प की तरह। जैसे कुंडलनी मारे हुए सर्प बैठा होता है वैसे बैठी है वो कुंडलनी शक्ति, वो ढक के बैठी है हमारे सारे शरीर की नाड़ियों को, वो नाड़ियाँ जो जुड़ी हैं हमारे सातों चक्र से, जिसमें मूलाधार भी है, मूलाधार के पीछे ही बैठी है। और वहां पे ही एक बीज भी संचरण करता रहता है, काम बीज भी घूमता रहता है, हमारी इच्छाओं का बीज। जब हम अपनी ऊर्जाओं को रीढ़ की हड्डी जहां खत्म हो रही है वहां लेकर के जाएंगे, नीचे लेकर के जाएंगे, तो वो ऊर्जाएं नीचे अपने आप उन सारी ऊर्जाओं को संचरण करेगी, सारी ऊर्जाओं को वहीं दे देगी। हमारी कुंडलनी शक्ति, हमारी सूषमा नाड़ी जो वहां मिल रही है, और हमारा मूलाधार चक्र, तीनों वहीं जुड़ रहे हैं, और ये ऊर्जाएं सीधे इकट्ठे वहां उनको संचरण दे रही है। अब हम देख रहे हैं सामने की तरफ और ऊर्जाएं आ रही हैं नीचे, नीचे पीठ की तरफ, और अब वो ऊर्जाएं जा रही हैं कुंडलनी शक्ति की तरफ,
और अब वो कुंडलिनी शक्ति, वो ऊर्जाएं, वो मूलाधार चक्र, सुषुम्ना नाड़ी सभी ऊर्जाओं से बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। जब वो ऊर्जाएं भर जाएंगी, नकारात्मकता निकलेगी, अपने आप ही वहां से हमें अचानक से एक ऊर्जा उठती हुई महसूस हो रही है, मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ एक ऊर्जा उठती हुई महसूस हो रही है, मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ हल्की सी कोई ऊर्जा हम देखते हैं ऊपर आ रही है, फिर नीचे जा रही है, ऊपर आने की कोशिश कर रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर वो उछल के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, फिर नीचे आ रही है। धीरे धीरे जैसे हम देखते हैं समुद्र की लहरें उठती हैं, वैसे ही हमारी ऊर्जाएं उठने की कोशिश कर रही हैं। हमने अपने मूलाधार चक्र, सुषुम्ना नाड़ी और कुंडलिनी शक्ति तीनों में ही ऊर्जा का संचार कर दिया है और हम उस ऊर्जा के संचरण को महसूस कर रहे हैं, परम आनंद को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों बिंदु एक ही हो गए हैं, हम जिसे देख रहे हैं और जहां हम ध्यान लगा रहे हैं, ये जैसे जुड़ गए हैं एक दूसरे में, एक ही हो गए हैं, दोनों एक ही पॉइंट बन गए हैं। ऐसा लग रहा है सारी चीजें एक ही स्तर पे जुड़ गई हैं और हम भी जुड़ गए हैं। एक असीम आनंद, एक असीम सुख, अंदर तक संतोष, संतुष्टि देने वाला है, अंदर तक संतोष, संतुष्टि, एक अलग ही एहसास, एक अलग ही अनुभूति। कुछ पलों तक हमें अनुभूति होती है और फिर हम खो गए। अभी हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं, आनंद, सिर्फ आनंद। बहुत अच्छा लग रहा है ये आनंद का पल ऐसा ही रहे, हर आनंद से बढ़ के असीम शांति, असीम सुख, असीम सुकून जिसके लिए हम भाग रहे थे सालों से, सदियों से, जन्मों से, वो सुकून मिल गया। अब धीरे धीरे हम अपने आप को ध्यान की अवस्था से बाहर लाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को वापस अपने आसपास की ऊर्जाओं से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम वापस अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास क्या है। अगर आप चाहें, आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये सब नहीं कीजिए, आप ऐसे ही इसी मुद्रा में बहुत समय तक बैठ सकते हैं जब तक आप चाहें। लेकिन यदि आप उठना चाहते हैं तो आप उठ सकते हैं। पहले आप अपने आसपास की ऊर्जाओं को महसूस कीजिए, क्या हो रहा है आसपास, कौन सी आवाजें आ रही हैं, क्या है, आप किस चीज पे बैठे हैं, आपने क्या कपड़े पहने हैं, उन सबको महसूस कीजिए। आपने पानी पिया उसको महसूस कीजिए और उसके बाद धीरे से अपनी आंख खोलिए, फिर बंद कर लीजिए। एकदम से आप खोलेंगे तो आपको अटपटा लगेगा। अपने दोनों हाथों को मलिए, अपने चेहरे पे फेरिए, सर से पूरा ऊपर तक लेकर के जाइए, जैसे आरती उतारते हैं।
उन ऊर्जाओं को अपने अंदर ग्रहण भी कर लिया सहस्रार चक्र से। अब धीरे से आंखें खोली, चेहरे पे मुस्कुराहट है आपके, सुकून है, शांति है, अपने आसपास की चीजों को देखा, वही चीजें, वही कमरा, वही लोग, वही वातावरण, लेकिन आपके अंदर सुकून और आसपास भी सुकून, क्योंकि आपकी ऊर्जाओं से आसपास का वातावरण भी शांत हो गया। अब आप धीरे से उठ सकते हैं। अगर आपने रखा है आधा ग्लास पानी पहले का, आपको प्यास अनुभव होती है तो पी सकती हैं, नहीं महसूस होती तो आप उठ के अपना कोई भी काम कर सकते हैं और उस शांति को अंदर तक महसूस कर सकते हैं। ओम।